हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों शेयर मार्केट के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों अभी हम बात करेंगे इन्फो एज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले न्यूज़ पे चलेंगे, देन एनएससी की साइट पे चलेंगे, देन हम ऑप्शन चेन डेटा पे चलेंगे और इसका आने वाले दिनों में टारगेट प्राइस डिस्कस करेंगे। तो अगर आप वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन क्लिक कीजिए, जिससे इस तरह की आपको अच्छी वीडियो मिलती रहे। तो सबसे पहले न्यूज़ देखते हैं, क्या कोई न्यूज़ है क्या। इन्फोएज शेयर्स 1.5 लगभग 2% अप है, ठीक है। ड्यूटी रेजेज अबाउट 20 करोड़ फ्रॉम गूगल पे इन्फोएज वेंचर्स। ड्यूटी रेजेज 20 करोड़ सेम स्टॉक मार्केट अपडेट। आईटी स्टॉक्स क्लाइम इन्फोएज 3%। तो इसमें देखते हैं क्या है। सी शेयर्स ऑफ इन्फोएज अप 0.3% कंसल्टेंसी दिस बिजनेस वाइल लार्सन एंड टुब्रो। तो इसमें मीन्स ये बताया गया है कि लोग 2% 3% कौन सा आप है, कोई इस तरह का टारगेट वगैरह दिख नहीं रहा है यहाँ से। तो हम सीधा सा आते हैं कि एनएससी की साइट पे देखिए अभी कितना प्राइस चल रहा है, 4,400। चार हजार 426 लगभग 4% अप है, 162 पॉइंट आज के दिनों में ओपन हुआ था 4,270 रुपये पे। प्रीवियस क्लोज था 4,263 का, हाई बनाया है 4,467 का, लो बनाया है 4,200 का। बाई पॉइंट की लगी है 271 कई 4,433 पे। नीचे आते हैं फ्रेंड्स, अब यहाँ पे टोटल क्वांटिटी देखते हैं कितनी डिलीवरी हुई है। टोटल क्वांटिटी ट्रेडेड 12 लाख, डिलीवरेबल क्वांटिटी 3 लाख। परसेंटेज ऑफ डिलीवरी कितनी हुई है, लगभग 28% 29% की। अब इसमें वॉल्यूम वाइज थोड़ा सा डेटा देख लेते हैं कि क्या हुआ है एक हिस्टोरिकल डेटा में। सी आज का वॉल्यूम बहुत ज्यादा था, 12,59,000 का वॉल्यूम था 5 अप्रैल को। मैं दिखा रहा हूँ, ये है 5 अप्रैल को, उसके पहले 1 अप्रैल को 7 लाख, उसके पहले 31 मार्च को 11 लाख, और 30 मार्च को ये देखिए इसका 17 लाख हुआ है। 30 मार्च को वॉल्यूम ज्यादा था। सो अगर वॉल्यूम के पर्पज से बात करें तो आज इसमें कंपेरिजन टू अदर डेज थोड़ा सा वॉल्यूम ज्यादा है। अब आने वाले दिनों में टारगेट प्राइस क्या हो सकता है या कहाँ तक ये जा सकता है, उसके लिए हम सबसे पहले चलते हैं चार्ट पे। दोस्तों ये चार्ट है, यहाँ पे मैंने 6 महीने का चार्ट लगाया हुआ है और इसने हाई बनाया था 1 5 जनवरी को 5,494 का। नीचे आया, नीचे ये देखिए 4,364 पे आया था उसके ऊपर, और सेम ये चीज देखिएगा 26 मार्च को ये आया था 4,470 रुपये के आसपास। अभी भी लगभग उसी अपने लो के आसपास चल रहा है, जो एक रेंज में ऊपर से आने के बाद जो नीचे यहाँ तक आया था, यहाँ से 4,364 के बाद ये बाउंस बैक मारा था। फिर 15 फरवरी को फिर से ये जो है 5,520 मारा, फिर ये नीचे आया। तो मैं एक चीज दिखा रहा हूं आपको, ये यहां मारा, ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, सेम चीज ये लाइन देखिए, फिर नीचे आया, ये देखिए अब यहां से रिवर्ट हुआ है। तो फिर यहाँ पे ऊपर अगर इस लाइन को एक्सटेंड करें तो यहां तक जा सकता है, मतलब इसका टारगेट प्राइस ये वाला टारगेट प्राइस है 5,494 का दिख रहा है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो इसमें 5,494 का, क्योंकि यहां से ये टर्न लिया है और टर्न होने के बाद ये जो है ऊपर की तरफ 5,494 का सीधे दिख रहा है। अब थोड़ा सा इस पे आते हैं, सी अपनी कंपनी है नौकरी, नौकरी को ही इन्फोएज बोलते हैं। यहां से थोड़ा सा एक बड़ी सी कैंडल बनी है इसमें, आज ऊपर कैंडल बनी, देन ये लास्ट वाली कैंडल थोड़ी सी बड़ी बनी थी, और दिन के 3 बजे 1 बजे 4, 1, 1, 4, 1 अप्रैल को यहाँ पे देखिए आज 5 तारीख है, यहाँ पे सीधा बड़ी कैंडल ग्रीन कैंडल धमाधम बनती चली गई ऊपर, और लास्ट टाइम पे थोड़ा सा एक रेड कैंडल बनी है। थोड़ा सा लॉन्ग चार्ट लगाते हैं इसका।
तो ये देखिए फ्रेंड्स, 25 एक के पास इसका लगभग 1 अप्रैल, जून, अप्रैल में यहाँ पे था, दिन ये 1/5/31। सीधा का सीधा ये देखिए 25 मार्च से सीधा नीचे आया था। 25 मार्च को नीचे आने के बाद ये जो है प्राइस 2072, 25 मार्च 2020 की बात कर रहा हूँ, आज की नहीं। और फिर ये ऊपर जो है 5 जनवरी को ये यहाँ पे था प्राइस लगभग 5595। यहाँ से नीचे आया, वही चीज़ मैं जो बोल रहा हूँ, 28/1 जनवरी नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया सेम चीज़ पे, फिर यहाँ से देखिए टर्न लेके ऊपर की तरफ जाएगा। अब थोड़ा सा चलते हैं इसमें, ऑप्शन चेन पे आ गए हम। तो ऑप्शन चेन पे ये देखिए, सबसे पहले हम स्पॉट प्राइस कितनी है अभी, 4433 की, 4433/34। अब यहाँ पे देखिए 4500 पे कितने, 52,000 वाई खड़ा हुआ है। यहाँ पे कॉल अनवाइंडिंग हुई है 19% की, मतलब कि अब यहाँ पे लग रहा है कि इसके ऊपर भी जाएगा। ये कोई स्ट्रॉन्ग, कोई एक इसका एक टारगेट, इसका एक रेजिस्टेंस नहीं रह गया है। ऊपर देखिए 4600 पे ये इस पे 37% का कॉल राइटिंग हुई है और 13,000 ओआई खड़े हुए हैं, और इन सब पे कॉल अनवाइंडिंग हो रही 4900 पे, 5,000 पे। तो आप सबसे पहले ये देखिएगा कि 4500 वाला जो प्राइस है, 4500 का प्राइस, इस पे लगभग 20% का कॉल अनवाइंडिंग हुई है, लेकिन इस पे ओआई खड़े हुए हैं 52,000 का। ठीक है, तो यहाँ पे लग रहा है लोगों को कि जितने भी कॉल राइटर हैं कि नहीं, ये एक रेजिस्टेंस जो था, ये एक वीक रेजिस्टेंस है और इसके ऊपर भी यहाँ पे जा सकता है। तो यहाँ पे 4700, 4800 और सीधा 5,000 पे जो है 61,500 का जो ओआई खड़ा हुआ है, यहाँ पे कॉल अनवाइंडिंग, कॉल राइटिंग हो रही है। ये देखिए 8.37% इस पे। तो अगर ऊपर की तरफ गया तो मान के चलिए ये सीधा 5,000 रुपये पे आसपास जाएगा, ये इतना साफ साफ दिख रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।